तो स्वागत करते हैं आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ IT 402 के स्टूडेंट्स, और हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं हमारा चैप्टर जो कि वेब सिक्योरिटी वाला है, हमारा लास्ट लास्ट चैप्टर या फिर आप कह सकते हो यूनिट। उस यूनिट के अंदर का एक सेशन है जो कि हमारा सेकेंड लास्ट सेशन है, जिसके अंदर मेंटेन वर्क सेफ्टी तो इसको हमने करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले, क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया तो यस, सब्सक्राइब भी करिए और दोस्तों के साथ में शेयर भी है जो करिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि मेंटेन वर्क स्पेस सेफ्टी। मैं जब भी किसी चीज की शुरुआत करती हूँ तो ऑफकोर्स मैं उसके नाम के साथ करती हूँ। मेंटेन यानी कि किसी चीज को बरकरार रखना, किस चीज को? वर्क प्लेस यानी कि वर्क प्लेस एक तरीके से जहां पर आप काम करते हो, जैसे कि आपका स्कूल जहां पर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, आप लोग बच्चे वहां पर पढ़ रहे हो, किसी कंपनी का, किसी ऑफिस का एग्जाम्पल ले सकते हो। और उस वर्क प्लेस पर सेफ्टी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यानी कि वर्क प्लेस पर सेफ्टी को हमें मेंटेन करना है और उससे रिलेटेड चीजों को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कहते हैं कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ सेफ्टी रूल्स एंड प्रोसीजर्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लो, आप अपने स्कूल की बात कर लो, आप मम्मी पापा की जो ऑफिस है उनकी बात कर लीजिए, हर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ ना कुछ रूल्स, सेफ्टी रूल्स जरूर फॉलो करते हैं। जैसे हम किसी स्कूल में जाते हैं ना, या फिर हम हॉस्पिटल में जाते हैं, है ना, तो वहां पर कुछ वो लगे नहीं होते स्लोगन वगैरह, है ना, कि यहाँ मत जाना। अगर मान लीजिए कोई बिल्डिंग है जो आपकी बन रही है, तो उस बिल्डिंग के बाहर वो सेफ्टी के लिए कुछ स्लोगन्स या फिर कुछ ऐसे लगा देते हैं कि भाई यहाँ पर दिस बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन, तो जिससे आपको पता चल जाता है। जैसे सड़कों पर भी सेफ्टी लगे नहीं होते कि जैसे सड़कों पर ऐसा कुछ होता है कि जैसे वो येल्लो से कलर में और फिर ब्लैक कलर में कि भाई आगे स्कूल है इस तरीके से, या फिर आगे यू टर्न है। तो मतलब इस तरीके से जो जो मार्क कर करके हम सेफ्टी फॉलो करते हैं, तो बस हर ऑर्गेनाइजेशन इन रूल्स को, इन कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करती है। जैसे हमने कोरोना में खास तौर पर देखा होगा, हमारे स्कूल में भी हर सीढ़ियों के जो है, मतलब हर जो कह सकते हो कि फ्लोर पर, है ना, कोरोना को लेकर के काफी सेफ्टी रूल्स जो है लिखे गए थे, हालांकि वो अभी भी है। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से हर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ रूल्स या फिर कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करती है, जिसके उसके एम्प्लॉयज हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं, है ना, तो वो सेफ रहे। These rules must be stated and displayed clearly at important areas, है ना? तो important areas है वहां पर जो है, जैसे हाथ धोने वाला जो वॉश बेसिन होता है उसके पास लिखा होता है कि भाई वॉश योर हैंड क्लियरली, और मे बी वहां पर आपको प्रोसीजर स्टेप्स बताए हाउ टू वॉश द हैंड्स। एक्सटिंक्शर, उसको तो जरूर हमने जगह जगह पर, जैसे फायर एक्सटिंक्शर को चलाने के लिए वहाँ पर रूल्स होते हैं कि जैसे लगे तो होते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि यूज़ कैसे करना है, तो वहाँ पर स्टेप्स भी हैं जो आपको बताए होते हैं, है ना, जैसे इमरजेंसी एग्जिट करके। तो मतलब ये सारे के सारे जो रूल्स हैं वो फॉलो करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस। ऑफकोर्स ऑल द एम्प्लॉयज मस्ट बी गिवन अ डेमॉन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग टू फॉलो द सेफ्टी रूल्स। ठीक है, तो जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे एम्प्लॉयज हैं उनको भी ऐसी ट्रेनिंग है जो दी जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके स्कूल्स के अंदर भी कुछ कुछ लोग हैं, जैसे पुलिस की तरफ से कभी कभी कहीं कुछ कुछ सेमिनार्स हैं जो होते रहते हैं, जो आपको आपके सेफ्टी रूल्स के बारे में बताते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। अब हम आगे चलते हैं, बहुत ही गर्मी स्लाइड के ऊपर। तो जैसे कुछ कुछ बेसिक रूल्स जो कि आपके बुक के अंदर दे रखे हैं, जैसे कि बेसिक फायर सेफ्टी रूल्स, तो हमें ये कैसे फॉलो करने होंगे? तो आपको इस तरीके से जगह जगह देखो जो है हाउ टू यूज़ फायर फाइटिंग हाइड्रेंट, तो आपको इस तरीके से 1, 2, 3, 4 करके स्टेप्स बता रखे हैं, है ना, और अगर आग लग जाए तो आपको क्या क्या करना चाहिए, तो वो सारे के सारे देखो। आपको बी अवेयर एंड स्टे सेफ, तो हम बच्चों से भी कभी कभी लिखवाते हैं कि आप ये रूल्स हैं जो लिख करके लेकर के आओगे एज ए पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन वगैरह के अंदर, है ना। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको जो है एक एक स्टेप बताया हुआ इसके अंदर। तो ऐसे काफी सारे हम लोगों ने देखे होंगे। ओके, अब इनको पढ़ लेते हैं। तो चलिए करते हैं कुछ ऐसे बेसिक सेफ्टी रूल्स एक एक करके। तो सबसे पहले फायर सेफ्टी रूल्स, चलिए तो देखो, कहते हैं कि फायर एस्केप प्लान्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड एट प्रॉपर लेवल्स। तो जो फायर एस्केप प्लान्स हैं, जैसे कि हमने जगह जगह अलार्मिंग लगा रखी होती है ना, कि भाई अगर उसमें थोड़ा सा भी धुआं आ जाए तो वो अपने आप से साउंड है जो करने लग जाते हैं,
और दूसरा है कि भाई एग्जिट प्लान है जो जगह जगह पर हो, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर दूर भी हो, ठीक है। तो जो फायर एस्केप प्लान्स हैं वो इंस्टॉल्ड होने चाहिए प्रॉपर लेवल पर, और ऐसा नहीं है कि आपकी काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा हॉस्पिटल है तो आपने पूरे उसमें 15 फ्लोर के अंदर, आपने उसमें एक ही फ्लोर के अंदर लगा रखा है, ठीक है। तो नहीं, आपको जो है प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन, या फिर उसको जो है 15 है तो ऑफकोर्स 15 के 15 आपको लगाना, 15 फ्लोर है तो मतलब 15 आपको मिनिमम तो लगाने चाहिए एस्केप, है ना। ओके, प्लान्स, कंडक्ट रेगुलर ड्रिल्स। हम बहुत बार ऐसा देखते हैं कि हमारे स्कूल में, या फिर हम जैसे कभी आर्मी वालों की ऐसे होती है ना ये प्रैक्टिस वगैरह, तो उसको हम लोग देखते हैं ना कि वो इस तरीके से इमेजिन करते हैं कि भाई जैसे सच में लड़ाई हो रही है, और फिर वो कैसे उस लड़ाई के अंदर कैसे जो है चीज़ें करें, मतलब एक तरीके से आपकी उस लड़ाई हो भी नहीं रही लेकिन आप प्रैक्टिस करो, वैसे कि आग लगी नहीं है बट फिर भी आप एक वैसा फील करके कि भाई आग लगे तो अब आपको क्या करना होगा, है ना। तो वैसे आप रेगुलर एक प्रैक्टिस के तौर पर है जो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे को इसी से एक एग्जांपल याद आ गया कि मैंने जब कार चलाना सीखा था तो उसमें था कि आपको स्टिमुलर के ऊपर भी जो है कार सिखाते थे कि आप बारिश में कैसे चला सकते हो या आंधी आ रही है उस टाइम पर, तो एक्चुअल में कार वॉज ऑन अ सिंगल प्लेस, एक ही प्लेस पर कार थी और आपको ऐसा फील हो रहा था कि आप सड़क पर जा रहे हो, है ना। तो वैसा ही करके कि भाई आप एक्चुअल में नहीं लगी है आग या फिर जो भी इमरजेंसी कह सकते हो, तो आपको एग्जिट किस तरीके से करना है, ठीक है। ओके, फिर स्मोक अलार्म मस्ट बी प्लेस्ड एट द प्रॉपर इंटरवल्स। हाँ, तो जो वही वाले मैं इसकी बात कर रही थी जो एस्केप प्लान्स के अंदर, तो जो वो स्मोक के अलार्म होते हैं तो वो भी प्रॉपर होने चाहिए, ऐसे नहीं है कि वो ऐसे एरिया के अंदर लगे हैं जो डेंजरस एरिया आपको लग रहा है ना, किचन विचन के आसपास, तो वहां पर आपको स्पेसिफिकली इसको जो है प्रॉपर तरीके से प्लेस कराना चाहिए। कीप वर्क प्लेस अ नो स्मोकिंग जोन, यस, आपको नो स्मोकिंग के बोर्ड है जो लगाने चाहिए ऑफकोर्स कि हाँ स्मोक करना अलाउड नहीं है। मेंटेन अ सेफ्टी इक्विपमेंट मस्ट बी टेकन केयर ऑफ रेगुलरली। जो भी आपने सेफ्टी इक्विपमेंट रखे हैं, जैसे कि आपने फायर एक्सटिंक्शन रख दिया है, तो भाई वो ऐसा नहीं है कि दो कितने साल पुराना है, अब उसका क्या फायदा होगा, ठीक है। तो आपको प्रॉपर उसको बार बार चेक भी है जो करते रहना चाहिए। तो ये चीजें हो गई, बाकी आपके पास में आता है फॉल्स एंड सेफ स्लिप्स सेफ्टी रूल्स, ठीक है। कुछ ऐसे कई बार बिल्डिंग है जो अंडर कंस्ट्रक्शन होती है तो वहां पर जो है कि भाई ऑफ कोर्स जो लोग आ रहे हैं, मे बी आधी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन और आधी नहीं है, तो लोग आ रहे हैं तो क्या पता गिर ना जाए, मे भी हो सकता है आपके एम्प्लॉय जो है उन्होंने पोछा वोछा लगाया हो, तो ऐसे करके हम कॉशन और लगा सकते हैं कि भाई वेट फ्लोर है या जो भी है, तो फॉल्स एंड स्लिप सेफ्टी रूल्स ये भी ऑफ कोर्स आपको कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स वगैरह में देखने को मिले होंगे। कीप द मूविंग एरिया क्लीन एंड क्लटर फ्री। ओके, सो ये ऑर्गेनाइजेशन का ही जो है रूल है कि भाई आप जब भी मान लीजिए अगर हॉस्पिटल में लोग हैं जो आ रहे हैं तो आप ऐसा नहीं है कि पोछा लगा रहे हो और फिर लोग गिरते पड़ते पड़े, है ना। तो ये उनको भी है जो चाहिए कि भाई जितना काम है वो अपना पहले निपटा लें, है ना। चलो ये तो उनकी बात है, बाकी ऐसे रूल्स हैं कि जो हमें फॉलो करने चाहिए। वर्क प्लेस मस्ट बी प्रॉपर वेंटिलेटेड, रिसीव लाइट, ठीक है। स्कूल के अंदर भी ऐसा है कि भाई हाँ, जैसे ये मेरे को इससे याद आया कि जैसे हमारा लंच टाइम के अंदर काफी ज्यादा जो जो पानी पीने वाला एरिया होता है, ड्रिंकिंग एरिया, वो बहुत ही वेट हो जाता है, मतलब गीला हो जाता है, बच्चे कुछ खेलते भी रहते हैं ना एक दूसरे पर पानी फेंक करके, नहीं तो बच्चे वैसे ही गिरा देते हैं। तो मेक श्योर कि स्कूल में जो भी स्वीपर वगैरह उनको टाइम टू टाइम उसको क्लीन करते रहना चाहिए, है ना। तो प्रॉपर वेंटिलेशन भी है जो होना चाहिए, लाइट है जो प्रॉपर होनी चाहिए स्कूल्स के अंदर भी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वियर नॉन स्लिपरी फुटवियर, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए मैं चॉइस कहूंगी कि भाई आपकी चॉइस है वैसे तो, बट ऑलवेज मेक श्योर कि आप जो भी स्लीपर, जैसे हमारे बाथरूम स्लीपर अलग होते हैं जो स्लीपरी नहीं होते हैं, है ना, तो यस आपको जो ऐसे फुटवेयर पहनने चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम है ना फिसलते रहो। फ्लोर मस्ट बी ड्राई क्लीन होना, ड्राई एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। ऑयल स्पिल्स डस्ट मस्ट बी इमीडिएटली क्लीन। अगर कोई ऐसा जैसे लंच में ऐसा होता है कई बार बच्चे अपनी तेल वाली सब्जी है जो गिरा देते हैं, तो स्वीपर वगैरह को चाहिए कि उसको जल्दी से जल्दी साफ करते हैं, जैसे एक बार तो हो गया लेकिन बाकी और बच्चों को नुकसान ना हो, है ना। ओके, सो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स ये भी हमने बहुत बार देखे होंगे स्कूल के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन में, ये तो हर जगह हमने देखे होंगे, है ना, सड़कों पर भी देखे होंगे, कॉशन, है ना। ओके, सो ऐसे करके हमने स्लोगन वगैरह काफी सारे देखे होंगे कि डेंजर, यहाँ पर हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज है, तो इसे पता चल जाता है कि भाई तुझे दूर रहना है, ठीक है। ओके,
ओके सो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स कहता है कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स यूज्ड शुड बी अप्रूवल बाय अ रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो जो वो रूल्स हैं वो अप्रूव होने चाहिए. ऐसा नहीं कि आप रूल्स में कुछ भी लिख रहे हैं, तो उसमें बचाव के लिए भी कहे आप कैसे बच सकते हो, अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक आ गया तो उसमें कैसे आपको बचा जा सकता है. मेरे को याद है कि हमारे स्कूल में तो इसके लिए होते थे छोटे छोटे सेमिनार्स होते थे, तो उसमें से बताया जाता था कि भाई आप ऐसे जैसे कपड़े के इस कोने से को टच करके ऐसे कर दो तो वो झटक जाएगा, है ना. हाँ अभी तो थोड़े थोड़े कुछ कुछ याद है. तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जो बताई जाती थी. अब ये कहता है कि वर्कर्स शुड बी ट्रेन्ड टू हैंडल द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेफ्टी. ठीक है, तो जो वर्कर्स हैं उस कंपनी के उनको प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग है जो बेसिकली दी जानी चाहिए. डैमेज्ड एंड हजार्ड्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शुड बी इमीडिएटली रिप्लेस्ड. तो जो भी आपको लगता है कि ये जैसे नंगी तारे कह देते हैं ना कि भाई ये अगर फैन चलाने की तार है तो उसके आगे अगर आपने सॉकेट वो स्विच नहीं लगा रखा है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी आप बोलते हैं ना, तो अगर आपने नहीं लगा रखा है तो फिर ऐसा है कि भाई उसको बदल दो, है ना. क्योंकि बड़े तो ऑफकोर्स यूज कर सकते हैं उसको, लेकिन छोटे बच्चों के लिए इट्स मच डिफिकल्ट, है ना. ओके, हीट इमेंटिंग इक्विपमेंट शुड बी कैप्ट अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. ऐसा है कि भाई आग वाग लगने का कभी खतरा है जो हो जाता है, तो ऐसे जो हीट इमेंटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं तो उनको आपको दूर है जो बेसिकली रखना चाहिए. अब बात करते हैं फॉस्टेड बॉक्स या फॉस्टेड किट के बारे में कि ये किट क्या होती है, इस किट के अंदर क्या क्या हमारे घरों में आमतौर पर हम देखते हैं. तो फर्स्ट एड क्या होता है कि इज द इमीडिएट असिस्टेंट प्रोवाइडेड टू द इंजर्ड टू सेव लाइफ एंड मिनिमम हेल्थ लॉस टिल द प्रॉपर मेडिकल एड फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड. फर्स्ट एड वो होता है बेसिकली कि हॉस्पिटल जाने से पहले हम उस बंदे को जो है मिनिमम किस तरीके से असिस्ट कर सकते हैं उसकी जान बचाने के लिए. हम डॉक्टर तो नहीं है, खैर खून बह रहा है तो हम खून को बंद कर कैसे कर सकते हैं ताकि वो जब हॉस्पिटल तक पहुंचे, जब उसको जाकर के प्रॉपर डॉक्टर के थ्रू उसको इलाज मिलना स्टार्ट हो, तो वहां तक जाते जाते इतना लॉस है जो ना हो जाए. कई बार होता है ना कि जो है इसका खून ज्यादा बह गया, किसी ने इसको देखा नहीं, तो हाँ फर्स्ट एड वही चीज है. ठीक है, तो डॉक्टर से जाने से पहले आपको इसके लिए कोई ऐसा डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है. वो एक आम जो सबको पता होता है कि खून बह रहा है तो उसको कपड़े से या किसी तरीके से आप उसको स्टॉप कर दें. जैसे ही खून स्टॉप हो रहा है तो दैट मींस कि अब उसकी जो है मतलब मिनिमम आप चीजें वो करें कि जिससे उस बंदे की जान है जो बच जाए. तो उसको प्रॉपर इलाज मिलने से पहले जो भी हम उसको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं तो वही फर्स्ट एड हो गया. ठीक है, फर्स्ट पहली बार उसको एड देना तो वही क्या है, फर्स्ट एड हो गया. सम रूल्स ऑफ फर्स्ट एड आर एश्योर द इंजर्ड टू रिमेन काम एंड नॉट टू पैनिक. ऑफ कोर्स जो बंदा इंजर्ड हो रखा है हमें उस बंदे को जो है बिल्कुल बेसिकली जो है सहारा देना चाहिए. ऐसा नहीं कि और रोहित तुम्हारा तो खून बह गया है ना. तो कुछ ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं जो गर्मी में बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, सर्दी में बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, मतलब वो बंदे जो कभी खुश ही नहीं हो सकते, है ना. तो यस, उनका तो कोई इलाज नहीं, लेकिन हम अपना इलाज तो कर सकते हैं. मतलब अगर कोई बंदा इंजर्ड हो चुका है तो हम उसको जो है एक सहारा दें, कुछ नहीं ठीक हो जाएगा, ऐसे क्या गिरते पड़ते तो रहते हैं, मतलब किसी भी तरीके से जैसे भी आप उसको दे सकें. ठीक है, तो आप उसको जो है पैनिक मत होने दीजिए, क्योंकि एक तो बंदा वैसे ही गिर गया, उसके वैसे ही चोट लग रही है, और ऊपर से तुम उसका और जो है ना कर दो. तो मतलब कहने का कि हमें जो है कभी कभी होता है ना कि बातों से भी हिम्मत दे देते हैं, तो वो चीज हमें रखनी चाहिए. ठीक है, कहते हैं कि कीप देम वार्म इफ दे आर अंडर शॉक. ठीक है, तो हमें उनको थोड़ा सा गर्म जो है रखना चाहिए अगर वो शॉक वॉक लगा है तो कपड़े वपड़े से. ओके, सो डू नॉट मूव द विक्टिम इन केस ऑफ बैक नेक इंजरी. अगर उसके पास कोई गर्दन वर्दन में कोई ऐसी इंजरी आ चुकी है तो हम उसको मूव वगैरह ना होने दें, है ना. तो जो भी हमें लगता है कि जिस तरीके की इंजरी उसको हुई है उस तरीके से कैसे कैसे उसको बचाया जा सकता है या कैसे हम जो है फर्स्ट एड उसको दे सकते हैं, तो वो हम सारी चीजें हैं जो करेंगे. ऐसे नहीं कि आप डॉक्टर भी बनने लग जाओ चीर फाड़, नहीं, हमें वो भी चीज नहीं करनी है ऑफकोर्स, लेकिन जितना मिनिमम हो पाए उसकी जान बचाने के लिए दैट वी मस्ट हैव टू डू. ठीक है, ज्यादातर तो हमने यही देखा है कि जब भी ऐसी कोई बात होती है तो लोग आसपास खड़े हुए भीड़ इकट्ठा कर देते हैं, सफोकेशन क्रिएट कर देते हैं वहां पर. आजकल तो वो रील्स वाला सिस्टम भी है जो लगा हुआ है, बंदा पुलिस को फोन करने की बजाय इंस्टाग्राम फॉलोवर बनाने पर लगा रहता है कि उसकी मैं रील बना लूं किसी भी तरीके से, है ना. हाँ,
तो मतलब अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो ऐसे बुरा करके तो मत करिए ना, तो आप अच्छा करिए कि आप उसकी जान बचाने के बारे में जो सोचिए, क्योंकि जान से बड़ा कोई भी नहीं है। आपको व्यूज या फिर ये चीजें तो खैर मिल जाएंगी, है ना। तो ये जो एक बेशकीमती तोहफा है, तोहफा ही तो है ये जिंदगी, भगवान का दिया और सबसे बेहतरीन तोहफा। मतलब कह लो कि आप किस्मत वाले हो कि आप इस दुनिया के अंदर आए हो और एकदम स्वस्थ आए हो, है ना। आप कुछ कुछ मतलब मैं हमेशा वो है कि जैसे आपके घर के संस्कार भी होते हैं ना, कि जो आपको जो है वो मोटिवेशन देते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यस मेरे में वो चीज़ है, कि जैसे मैं अपने आप को इस तरीके से देख लेती हूँ कि यार कोई बात नहीं, ये लॉस हुआ है, इट्स ओके मतलब मेरी हेल्थ ठीक है ना। हाँ हेल्थ ठीक है और हमारे हाथ पैर सारी चीज़ें अच्छे से चल रही है, आपका दिमाग अच्छे से चल रहा है, तो यस यू कैन डू। आप उन लोगों की तरफ भी देखो ना, जैसे मैं बड़ा हौसला लेती हूँ कि भाई बंदे के पैर नहीं थे फिर भी वो माउंट एवरेस्ट पर कैसे चढ़ गया, हौसले से चढ़ा है ना। तो आपको तो भगवान ने सब कुछ दिया हुआ, तो लगे रहो, है ना। तो वही है चीज़ कि आप किसी भी तरीके से आप खुद तो हिम्मत बनाए ही रखें, सामने वाले को भी है जो हिम्मत दे, जो कि बंदा इंजर्ड हो रखा है, ठीक है। ऐसे पॉजिटिव लोगों की आज की डेट में बड़ी कमी है। हम पॉजिटिव सिर्फ जानते हैं इंस्टाग्राम रील्स में या यूट्यूब शॉर्ट्स में होना, लेकिन रियल में है ना बैंड बजी होती है नहीं। तो हमें उसके लिए भी जो है चीजें खुद से जो सीखनी चाहिए करनी चाहिए, क्या। ओके ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। ओके तो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड क्या है कि भाई आप काम करते करते काम के दौरान कुछ ऐसी चीज हो जाए, घटना घटित हो जाए। जैसे ये एग्जांपल मैंने दिया है, ये दो बंदे हैं जो इस जो है इसके साथ में काम है जो कर रहे हैं, इसको शायद इसके साथ में इन्होंने टांगना वांगना होगा। इस दौरान अगर कोई मिस हैपनिंग होती है किसी की भी साथ में, है ना, तो वो हैजर्ड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड हो गया। एंड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड इज द इलनेस वन मे एक्वायर ड्यू टू हिज ऑक्यूपेशन। तो वो काम के दौरान जैसे काफी हमने सुना होगा कि वो एक ऐसी फैक्ट्री में काम करते तो उनको लंग्स कैंसर हो जाता है ना, तो उनके फेफड़े ब्लैक पड़ जाते हैं। तो यस ऐसे में है कि भाई जो कि भाई उस काम की वजह से ये उसको जो है उसके साथ मिस हैपनिंग हो गई, है ना। तो काफी सारे हैं, जैसे फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, बायोलॉजिकल हैजर्ड हो गया, बिहेवियरल हो गया, रेडियोलॉजिकल हो गया, एर्गोनॉमिक हो गया। तो ये सारे के सारे इसी के एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर हम इन फोटोज से कुछ समझने की कोशिश करें, जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी वाला बंदा आया, वो खुद इलेक्ट्रिसिटी सही करने आया लेकिन उसको खुद को करंट लग गया, है ना। ओके तो ये जैसे कोई डॉक्टर है तो वो किसी को सही करते करते खुद उसको हो गया, जैसे काफी सारे डॉक्टर्स थे जिनको कोरोना सही करते करते खुद को कोरोना हो गया, है ना। हाँ तो यस अब फिजिकल हैजर्ड हो गया कि आप जो है जैसे धूप में आप काम कर रहे हो यहाँ पर, है ना, तो भाई बंदे का खुद का ही बुरा हाल हो गया काम करते करते, है ना। और फिर आपके पास में एरोगोनॉमिक हैजर्ड या फिर कोई केमिकल्स, आप कोई केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हो, वही केमिकल तुम्हें ही रिएक्ट कर गया, है ना। तो ये सारे के सारे हो गए ऑक्यूपेशनल हैजर्ड के, कि आप काम के दौरान, है ना, आपके साथ में कुछ बुरी घटनाएं घटित हो जाना। तो अब इससे रिलेटेड ना आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं ऑक्यूपेशनल हैजर्ड से रिलेटेड। तो आपके काफी सारे क्वेश्चन हैं जो दे रखे हैं, उनको आने वाली हम क्लासेस में करेंगे भी बेसिकली, कि भाई एक एक्स वाई जेड बंदा था, वो ऐसे काम कर रहा था केमिकल फैक्ट्री के अंदर, केमिकल उल्टा उसके ऊपर गिर गया, तो वो क्या है ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स के अंदर आती हैं चीजें सारी के सारी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। हम बड़े इत्मीनान से बड़ी शांति से आपके सिलेबस को कम्प्लीट करते जा रहे हैं। हमारा अभी तक कह लीजिए कि ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो चुका है, बस डेटाबेस का तीन वाला चैप्टर है, वो भी इसके बाद हो जाएगा। मे बी हो सकता है जब तक आप ये लेक्चर देख रहे हो सब कुछ कंप्लीट कर चुके हो और क्वेश्चंस पर आ चुके हो, या क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर चुके हो, तो आपने एक चीज करनी वो ये कि चैनल को सपोर्ट करना, आपने अपने दोस्तों के साथ में शेयर 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 करना है, ठीक है। क्योंकि आप हैं तो हम हैं, वरना हमें कौन जानता है ना। तो आप ही के हाथ में सारी की सारी चीजें, आप दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड ये सब्सक्राइब करिए, आप भी दोस्तों को भूलिए एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।